the maximum city where the apathy continues. And after the Sion Hospital, another video now doing the rounds from another BMC managed hospital, which is the KM Hospital. And in the video, you can see dead bodies wrapped up in plastic and kept in the same ward where the patients for COVID-19 are being treated. A similar video did rounds a couple of days back from Sion Hospital, which showed dead bodies in the same ward as other COVID patients. And after that video went viral, BJP legislator Nitesh Rane has posted one more video. Take a look at this. Now, the whistleblower in this case is joining us live on the broadcast. Asif is with us. Let's go across to him. Asif, do tasveerein, do videos is waqt nazar aa rahe hain. Ek Sion Hospital ka aur ye jo dusra video hai, ye KM Hospital ka. कई सारे सरकार की तरफ से वादे करने के बाद की स्थिति संभल जाएगी, अस्पतालों में कोई भी बदलाव नहीं नजर आ रहा है। मैडम, ऐसा है कि जब मेरे भाई को थोड़ा इन्फेक्शन महसूस हुआ, उसे सफोकेशन महसूस हुआ, तो हमें उसको हॉस्पिटल ले जाने में कम से कम 6-8 घंटा लग गया। हमने 4 हॉस्पिटलों में बात की तो कोई पेशेंट को लेने के लिए तैयार नहीं। फिर एंड में जो है, हमने केम हॉस्पिटल की तरफ, हमारे को कोई ऑप्शन नहीं था, हम केम हॉस्पिटल की तरफ गए। और वहां जाने के बाद हमने ये देखा कि भाई, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और दूसरा हमारे पास में जो है वेंटिलेटर नहीं है और बेड भी नहीं है। फिर भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो हमको वहां उसे एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद में भी कम से कम 4 घंटा लगा उसको जो है, उन लोग मतलब पेपर के प्रोसीजर कंप्लीट करते करते। उसके बाद में भी जो है, जब उसको ब्रेथलेस महसूस होने लगा, तो ब्रेथलेस महसूस होने के बाद में भी जो है, उन लोग कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई उसे ऑक्सीजन चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब वो वहां घबरा रहा है, और मतलब दिन भर के अंदर उसने लगभग जो है ना 8 से 10 बॉडी देखा। और वो भी ऐसा है कि एक ही वार्ड के अंदर बाजू में 2-2, 3-3 बॉडी रैप अप होके पड़ी है, और कुछ बॉडी पे तो रैप भी नहीं करा हुआ है। मतलब बॉडी रैप होके भी नहीं पड़ी। अभी आप बताइए, एक आम आदमी अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में जा रहा है, और वो ऐसे सिनारियो, ऐसे सीन देख के उसकी तो वहीं जान निकल जाएगी। अब मेरे भाई का मुझे घड़ी घड़ी फोन आ रहा, आसिफ मुझे तू किस भी तरीके से यहाँ से लेके चल, नहीं तो मैं ये मंजर देख के मर जाऊंगा। एक कोई, ये मेरे भाई की बात नहीं है, ये आम जनता सबकी बात है। आप खुद सोचिए कि मतलब क्या हाल होता होगा। मतलब मैं जब गया उसे एडमिट करने के लिए, तो मेरी आसिफ जी, मुझे आपकी क्या अस्पताल वालों से कोई बात हो पाए इस बारे में? अस्पताल वाले क्या वजह दे रहे हैं इसके पीछे कि क्यों डेड बॉडीज को रखा गया है उसी वार्ड में जहां पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है? अस्पताल वालों, कोई अस्पताल वाला प्रॉपरली बात करने को ही तैयार नहीं है। आप उनसे एक नॉर्मली, अगर आप इंक्वायरी के लिए, ऐसा है कि हर आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता है। इस सिचुएशन में इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहां के सिस्टम्स नहीं मालूम होते, राइट? जब सिस्टम नहीं मालूम होते हैं तो वो नॉर्मल बात का भी बराबर जवाब नहीं देते कि ये काउंटर से आपको वो काउंटर जाना है, तो वहां कोई भी देखने वाला नहीं है। अच्छा, रही बात, वो जो स्टाफ मैनेजमेंट काम कर रहा है उनकी भी तो सेहत का ख्याल है, ये ऐसी अगर बॉडी पड़ी रही तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो वहां मैनेजमेंट, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी का हॉस्पिटल स्टाफ जो है पहले से ही इन्फेक्टेड है, और अब अगर ये स्थिति है अस्पतालों में तो फिर जाहिर सी बात है खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। एक बात ये भी आसिफ कि इससे पहले सायन से भी दरअसल ऐसा वीडियो आया था, तब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे। इनफैक्ट जो डीन है सायन अस्पताल के, उनको बदल दिया। बिल्कुल, अगर मैडम अगर ऐसा कुछ हो तो शायद मुंबईकर्स को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुंबईकर के हर एक आदमी की जान उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक बड़े इंसान की जान की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक आम आदमी, मुंबईकर का एक आम आदमी होना, इसका मतलब ये नहीं कि उसे ऐसा लाशों के पास रखा जाए। हाँ, और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि भाई, करनी तो बहुत जरूरी है। डेड बॉडीज को उसी वार्ड में रखना जहाँ पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, ये तो बिल्कुल भी यू नो एक्सेप्टेबल नहीं है, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्या अपने लेवल पर ये अरेंजमेंट नहीं कर सकती? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर यू नो, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वही लोग आते हैं जो प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज, इसीलिए भी इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल वही हो रहा है। एक गरीब आदमी के पास इसके अलावा चारा नहीं है तो वो ये सब जुल्म सितम सह रहा है। अपने सामने अपनों को मरते देख रहा है, अपने सामने अपने आप को मरते देख रहा है वो। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो 4-4, 5-5 लाख रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में डाले।
और उसके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि मतलब उसे अपने आप अपने खुद को ही मतलब वहां मरने के लिए लेके जाने वाला मामला हो जा रहा है। अभी मैं जो मेरे भाई के साथ देखा, तो मेरा भाई का कहना यह है कि आसिफ मेरे को तू यहाँ से किस भी तरीके से बाहर निकाल ले, मतलब ऐसे आलम में। बताओ, हमारे पास तो दूसरा रास्ता है नहीं कि दूसरी जगह लेके कहीं जाए। हम 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तो नहीं दे सकते। एक मिडिल क्लास वाला आदमी, अपर मिडिल क्लास वाला आदमी भी आज की सिचुएशन ये लॉकडाउन की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इतना इतना बड़ा बजट। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस ताल्लुक ये जो से तो वीडियो आप सोचना देख रहे हैं चाहिए आसिफ, कि इसमें कुछ लोग जमीन पर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जो अपने पेशेंट को देखने के लिए आए हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और बेड्स की कमी है, इसीलिए एक ये बेड पर पेशेंट्स हैं दो मैडम, तीन ये लोगों को पेशेंट्स एडजस्ट हैं, करना पड़ रहा है, पेशेंट्स या कुछ लोगों को जमीन पर भी बैठना पड़ रहा है? ये कौन लोग हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं? ये पेशेंट्स लोग हैं, पेशेंट्स लोग हैं मैडम। मैंने मैंने खुद मेरे भाई को जो है बिस्लरी के कार्डबोर्ड के ऊपर लिटाया था, उसके पास बेड नहीं था। फिर एक स्ट्रेचर के ऊपर से एक डेड बॉडी जाने के बाद में वो स्ट्रेचर के ऊपर मैंने जो है ऑल राइट आसिफ, मतलब वो इस कार्डबोर्ड बीच जब हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो को दिखा रहे हैं, एक रिएक्शन भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच आसिफ फॉर ज्वाइनिंग अस।